केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की सड़कों के सुदृढ़ीकरण से संबंधित कार्यों पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। दिल्ली के लोगों को आवाजाही में किसी तरह की परेशानी ना हो और उन्हें सड़कों पर जाम से न जूझना पड़े, इसके लिए समय समय पर जरूरत के अनुसार लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़कों की मरम्मत का कार्य किया जाता है। इस दिशा में उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को रोहिणी इलाके की 11 सड़कों के सुदृढ़ीकरण से संबंधित कार्यों के लिए 6.10 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जिन 11 सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया जाना है उनकी कुल लंबाई 7.47 किलोमीटर है। पीडब्ल्यूडी मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि इन सड़कों का सुदृढ़ीकरण आधुनिक तकनीक की मदद से किया जाएगा, जिससे कि लंबे समय तक ये सड़कें मजबूत बनी रहे। तो इन सड़कों का सुदृढ़ीकरण होगा रोहिणी सेक्टर 11 ब्लॉक F3, ब्लॉक A1 से F3 तक की सड़क का भी सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। ब्लॉक H1 से H5 तक की सड़क इसमें शामिल होगी। ब्लॉक F1 से H2 तक की सड़क भी इसमें शामिल की गई है। ब्लॉक C4 से A3 तक की सड़क भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है। रोहिणी सेक्टर 11 की अगर बात करें तो ब्लॉक F1 से F3 तक की सड़क इसमें शामिल की गई है। ब्लॉक A1 से A3 तक की सड़क भी इसमें शामिल है। ब्लॉक C1 से C5 तक की सड़क भी इसमें शामिल की गई है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।